हेलो गाइस बबो, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डियर एचकेएल में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक हम बात करने वाले हैं कि जो अपने मोबाइल की स्क्रीन में जो व्हाट्सअप होता है हम उसका बैकग्राउंड आपको चेंज करके याद दिखाने वाले हैं। तो उसमें कैसे हम अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे दोस्तों कि उसमें बैकग्राउंड हम कैसे चेंज करते हैं। कितने लोग कह रहे थे कि उसमें जो बैकग्राउंड जो व्हाट्सअप होता है उसका जो बैकग्राउंड हमें देखने को मिलता है वो एकदम वाइट दिखता है, अपना सिंपल उसमें वॉलपेपर भी हम लगा सकते हैं, अपना उसका वॉलपेपर उसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को अपना वो डार्क थीम उसमें लगा सकते हैं बिना कुछ किए, बिना सिर्फ आपको व्हाट्सएप की स्टोरेज में जाना है, इस व्हाट्सएप के ऐप में जाना है और आपका हम फुली डिटेल हम देंगे आपकी इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहिए पूरा लास्ट तक और वीडियो के बिल्कुल स्किप ना करिएगा। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। और चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और हम फुली डिटेल आपको देते हैं कि हमको क्या क्या करना होगा कि हमारा जो वो व्हाट्सएप की जो थीम है हम उसको हम डार्क थीम में बदल सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको हम फुली डिटेल। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हम आप आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हम चलेंगे अपने व्हाट्सएप में। तो चलिए व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं। व्हाट्सएप के ओपन करने के बाद देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको खुल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर थ्री डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, ये किनारे में थ्री डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। तो आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लास्ट में ऑप्शन दिया गया सेटिंग का, तो इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा है अकाउंट चैट से नोटिफिकेशन डेटा एंड स्टोरेज स्टेजेस। तो आप यहाँ पर सबसे सेकंड नंबर चलेंगे चैट जिसमें लिखा है, ये देखिए चैट लिखा है, अब इस पर क्लिक करेंगे चैट पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन आप जिसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहला ऑप्शन जो लिखा है थीम, आप इसमें थीम पे क्लिक करेंगे तो लिखा है चूज़ थीम लाइट या डार्क। आप डार्क या लाइट थीम आप चूज़ कर सकते हैं। तो हमको डार्क करना है डार्क थीम, तो आप डार्क पे करके यहाँ पर सिंपली आप देखेंगे ओके लिखा है, यहाँ पर आप ओके करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जो डार्क थीम है आप इसमें सिंपली लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको नहीं लगाना है, अगर आपको वाइट ही करना है, फिर से आप इसमें जाएंगे अपने उसमें थ्री डॉट्स में, आप यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे चैट्स लिखा है, आप चैट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर थीम लिखा है, आप थीम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लाइट लिखा है, आप इसमें लाइट पे चूज़ करके आप यहाँ पर ओके दबा देंगे और आपका ये जो है लाइट में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स यही है कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सअप के ऐसे ही डार्क थीम सिंपली आप चेंज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो में जो इंस्ट्रक्शन दिया आपको समझ में आ गया होगा, तो फाइनली उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते रहते हैं। तब तक के मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको कीबोर्ड की अगर जो बैकग्राउंड उसका हो जाए, आप फोटो आप उसमें लगाते हैं तो उसका लिंक मैं अपने आई बटन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। चलिए हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप हैप्पी।